हेलो फ्रेंड्स, HTML ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये HTML का पार्ट 12 है, जिसमें हम लोग नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और इसमें आप लिखिए नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पे आप लिखेंगे हमारा नोटपैड, जैसे इसमें लिखे तो जैसे नोटपैड आपका खुल गया तो फर्स्ट ही में आएगा नोटपैड, डाउनलोड नोटपैड। या देखिए नोटपैड प्लस प्लस डॉट ORG आपका वेबसाइट खुलना चाहिए, इस पर आप क्लिक कीजिए तो देखिए वही आपका वेबसाइट खुलेगा। देखिए आपका ये वेबसाइट खुल गया। आप यहाँ से जो मर्जी हो वो आप वर्जन इस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहाँ से ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसी को हम लोग डाउनलोड कर दे रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा नोटपैड प्लस प्लस 7.8.2 रिलीज। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। देखिए आपका अगर जो कंप्यूटर ये विंडोज का है, अगर 30 बिट है तो आप यहाँ से ये डाउनलोड क्लिक कर लीजिए करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। या आपका 64 बिट है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ से इंस्टॉलर पर क्लिक करेगा इंस्टॉलर पर, तो देखिए ये लोडिंग ले रहा है। आप इंस्टॉलर पर ही क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड होगा। तो अभी हमारा में नेट कनेक्टर स्लो है, देखिए यहाँ से ये डाउनलोड होने लगा। अब देखिए डाउनलोड पर जाइए तो देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए 3.8 MB का है, आपके कंप्यूटर में जल्द ही ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए ये जब डाउनलोड हो जाएगा तब तक इस वीडियो को हम कट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, देखिए मेरे में ये नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से शो इन फोल्डर पे क्लिक कीजिए तो देखिए आपका जहाँ पे गया होगा वो आपको लोकेशन यहाँ से दिखा देगा। देखिए ये हमारे में दिखा रहा है npp.7.8.0 इंस्टॉलर, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए या यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ से ओपन कीजिए। तो देखिए ये ओपन हो रहा है, थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आप यस कर दीजिए और यहाँ से इंग्लिश ओपन रहने दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और आप यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं, आपको जहाँ पे भी आपको इसको इसको इंस्टॉल करना होगा। देखिए आपका लिक्वायर 10 MB कम से कम आपका स्पेस होना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए फिर इंस्टॉल पर। देखिए आपका इंस्टॉल हो गया, फिर आप यहाँ से फिनिश कर दीजिए। जैसे फिनिश करेंगे तो देखिए ये आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरह आपका ये नोटपैड ओपन हो गया, आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे फाइल टैब है, यहाँ से आप न्यू पर क्लिक करके आप न्यू फाइल ले सकते हैं इस तरह। तो देखिए आपका ये न्यू करेंगे तो आपका ये न्यू फाइल बन गया। या आपको भी फाइल अपने इसमें ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पर क्लिक कीजिए और आपका जहाँ भी जो फाइल होगा वो आपको फाइल इसमें शो करने लगा। देखा जैसे मैं डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया हूँ और जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है यहाँ पे HTML मेरा फाइल है प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ तो देखिए ये मेरा HTML का फाइल इसमें ओपन हो गया। देखिए इस तरह, या आप यहाँ से भी देखिए यहाँ से ओपन करेंगे देखिए ये न्यू है तो ये न्यू पेज खुल जाएगा। या यहाँ से भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आप नोटपैड को इंस्टॉल करना जान गए। आप इसमें और देखिए तरह तरह के कोई फाइल है, आप कुछ कुछ आप देखिए तो आपको समझ में आएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।